वसुदेव सुतम देव कंस चारोर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटि कोटि शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, अशेष शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सब पर कृपा करें, राधा रानी आप सब पर कृपा करें। और आज फिर हम उपस्थित हैं प्रद्योत गुरुकुल में, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। और आज का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसा टॉपिक प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होता है। आप सबकी मांग पर, आप सबके कहने पर, आप सब कहते हो कि सर साहित्य के साथ साथ व्याकरण, हिंदी भाषा, काव्यशास्त्र या रस छंद अलंकार, इस तरह से हिंदी संस्कृत साहित्य, ये टॉपिक भी कराते चलिए। तो आज हमने इनमें से चुना है हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा पर हमने आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दी थी, पहली वीडियो आपको उपलब्ध करा दी थी। आज हम चर्चा करेंगे दूसरी क्लास हिंदी भाषा पर, ये हमारी दूसरी क्लास होगी और ये दूसरी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए दूसरी क्लास में हम लोग चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा, एक क्लास हमने पहले कर ली थी। उस एक क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, पढ़ी थी, सीखी थी, जानी थी। तो जो बहुत सारी चीज़ें थी, उन बहुत सारी चीज़ों में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे देश में, दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिनमें से लगभग 12-13 परिवार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने माने हैं दुनिया की भाषाओं के परिवार। इनकी संख्या भी कई बार पूछी जाती है, जिनमें से एक परिवार है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार जो हिंदी से संबंधित है, या हिंदी भारोपीय परिवार से संबंधित है, भारोपीय परिवार से संस्कृत भी संबंधित है। हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं, इन पर हमने पहले एक चर्चा की थी और उसमें जो तथ्य छूटे थे वहाँ से आगे हम नई क्लास में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको हमने पहले बता दिया था कि जो भारोपीय परिवार है हमारे यहाँ, ये क्रम आपको सदैव याद होना चाहिए। वैदिक संस्कृत का विकास हुआ था सबसे पहले, वैदिक संस्कृत, ठीक है। उसके बाद लौकिक संस्कृत, जिसे केवल संस्कृत भी कहते हैं, ठीक है, लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ, पाली, और पाली के बाद प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत के बाद अपभ्रंश का विकास हुआ, और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। अपभ्रंश से काय का विकास हुआ, हिंदी का। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों भाषाएं प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, प्राचीन आर्यकालीन जो भाषाएं हैं उनके अंतर्गत आती हैं। ये तीन आती हैं, मध्य, और ये है आधुनिक। इनके साथ और भी हैं, ठीक है। तो इनका समय भी हमने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा, ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से और लगभग 800 ईसा पूर्व तक इसका समय है। ये आप नोट रखेंगे, इसका समय लगभग 800 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक है। संस्कृत को, लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहते हैं, केवल संस्कृत, ठीक है। पाली का समय परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका समय क्या होता है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक पाली थी, ठीक। और 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक प्राकृत भाषा थी, 500 ईस्वी सन से और उसके बाद 1000 ईस्वी सन तक लगभग में ये अपभ्रंश थी, और हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से हुआ है,
ठीक है, लगभग 1000। ये प्रश्न कई बार आता है, हिंदी का विकास कब हुआ है, तो 1000 ईस्वी से हुआ है। वैदिक संस्कृत में हमने आपको बता दिया था वेद लिखे गए हैं, ठीक है, पुराने उपनिषद लिखे गए हैं, आरण्यक जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक, तीन वेद मुख्यतः ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है वो लिखा गया है, और यजुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बाद का है, बाकी तीन इसमें हैं। लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ रामायण माना जाता है, जो किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। वेद व्यास जी का महाभारत और पाणिनि जी का जो भी व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी वो इसमें लिखा गया है। इसके अलावा जो भी कालिदास हैं, भास हैं, भवभूत हैं, उन सब के जो ग्रंथ हैं वो लौकिक संस्कृत में आते हैं। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, ये बौद्ध धर्म की भाषा है, महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली में थे और ये पहली ग्राम्य भाषा कही जाती है, और इसमें जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो इसी में रचित है। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, वो इसी में रचित है, पता है आपको कौन सा है, बताओ। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में उपदेश दिए हैं, इसी में रचित है। प्राकृत भाषा में उपदेश दिए गए हैं जैन धर्म के, और अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप था, अलग अलग अपभ्रंश से अलग अलग भाषाएं विकसित हुई, ठीक है। अब हिंदी का, हिंदी शब्द का प्रयोग यहाँ से लेकर यदि हम बात करें तो हिंदी शब्द का प्रयोग यहाँ से और यहाँ तक कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। वैदिकी भी इसे कहते हैं, इनके अर्थ हैं, इन पर चर्चा हमने कर ली थी, ठीक है, ये अशोक के शिलालेखों में भी पाई जाती है, ये चर्चाएं हो गई हैं, अब हम इस पर विशेष से चर्चा करेंगे हिंदी पर। तो यहाँ से वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश तक कहीं भी हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ दो चीज़ें और देखने के योग्य हैं, इतनी भाषाएँ जो हैं अपभ्रंश तक, ये सब संयोगात्मक हैं, ये सब कैसी हैं, संयोगात्मक, ठीक है, और ये दोनों भाषाएं हैं ये वियोगात्मक हैं। टीजीटी पीजीटी में कई बार प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, नेट में भी बना हुआ है। संयोगात्मक का मतलब होता है संश्लेषण होना, मिलना, इकट्ठा होना, और वियोगात्मक का मतलब होता है अलग अलग होना। तो संस्कृत भाषा में क्या होता है कि जब भी कुछ लिखा जाता है तो वो संयुक्त हो जाता है संधियों के द्वारा, समास के द्वारा, अन्य तरह से सूत्र बन जाते हैं, और जब कोई भी सूत्र होता है उसकी हिंदी बनाते हैं तो वो थोड़ी शब्दों में बड़ी हो जाती है। जैसे कोई भी सूक्ति ले लो आप संस्कृत की, कोई भी वाक्य ले लो, संस्कृत में कम स्थान घेरेगा, हिंदी में उसका अर्थ होगा वो ज़्यादा स्थान घेरेगा, ठीक है। तो ये संयोगात्मक और वियोगात्मक दोनों भाषाएँ हैं। अब जो हिंदी भाषा है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर हमने चर्चा नहीं की थी पहले, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसे आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी मुख्य बातें हमने आपको बता दी, आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये है सिंधु शब्द। ये शब्द कौन सा है, सिंधु शब्द है, दिख रहा है आपको रेड कलर है, सिंधु शब्द है। ये शब्द संस्कृत भाषा का है, कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, सम उपसर्ग से कृत लगा हुआ ये संस्कृत शब्द जो बना है, संस्कृत भाषा का है सिंधु। अब सिंधु जो शब्द है, ठीक है, जो सध्वनि है, सध्वनि ये जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द पे हम चर्चा कर रहे हैं, ईरानियों ने दिया है, किसने दिया है, ईरानियों ने, जब वो भारत में आए, फारसी भाषा का शब्द है, जब वो भारत में आए तो उन्होंने जो सध्वनि होती है, स का उच्चारण फारसी में ह की तरह होता है, ठीक है, और जो ध महाप्राण है ये हो जाता है अल्प प्राण, ठीक है, द। तो जब इस तरह से ध्वनि परिवर्तन हुआ स का ध में और ध का द में, तो सिंधु से बना हिंदू, सिंधु से बना क्या, हिंदू, सिंधु से हिंद बना, ठीक, और हिंद से हिंद बना, ठीक, और हिंद में ईक प्रत्यय लग के हिंदीक बना, और हिंदीक से बना फिर हिंदी, हिंदीक से क्या बना, हिंदी। इस तरह से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, इस तरह से ये हिंदी शब्द बना। अब यहाँ पर हम एक बात याद रखेंगे कि ये सिंधु शब्द है, ये सिंधु शब्द है,
ये है कौन सी भाषा का, ये सिंधु शब्द है संस्कृत भाषा का, ठीक है। ये सिंधु शब्द कौन सी भाषा का है, ये लिख दिया है हमने इधर, संस्कृत का है, ठीक है। और ये जो हिंदी शब्द है ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ये है फारसी भाषा का शब्द, ठीक है। अरे भाई यही है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे का जन्म तो हुआ हमारे घर में और नाम किसने रखा, पड़ोसियों ने, तो हमारी तो हिंदी का नाम ही विदेशियों ने रखा है। अब बताओ विदेशियों के द्वारा ही नाम रखा गया है हिंदी, ठीक। तो क्या है कि ये ईरानियों का दिया हुआ नाम है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, यूपी की सुपर टेट परीक्षा में पूछा गया है, एवं अन्य बहुत सारी टीजीटी पीजीटी या अन्य परीक्षाएं आरपीएससी में भी पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फारसी भाषा का है। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से जो हिंदी शब्द है ये विशेषण है, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी शब्द क्या है, विशेषण है, विशेषता बताने वाला है, ये शब्द विशेषता बताता है, कौन सा, हिंदी शब्द। अब हिंदी शब्द के अर्थ क्या है, हिंदी शब्द के अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम हिंदी शब्द का अर्थ भी थोड़ा सा समझ लें, हिंदी का अर्थ क्या है, तो हिंदी का अर्थ है हिंद देश की भाषा, हिंद देश का, ठीक है, हिंद देश के पदार्थ, हिंद देश की भाषा, हिंद संक्षेप में ही लिखे दे रहे हैं, हिंद की भाषा, ठीक है, हिंद के पदार्थ, इस तरह से हिंदी, हिंदुस्तानी, इसके अर्थ और भी हम लगा सकते हैं, ये हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान के निवासी, सभी के लिए हिंदी कहा जाता था, पदार्थों के लिए, भाषा के लिए। बाद में जो हिंदी शब्द है वो भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा, बाद में हिंदी शब्द काय के लिए प्रयुक्त होने लगा, भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा, आप इसे देख लेंगे, इसे समझ लेंगे, ठीक है। अब बाद में जो हिंदी शब्द भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है तो वो सबसे पहले कब हुआ है, सबसे पहले हिंदी शब्द भाषा के अर्थ में सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ है, तो हिंदी शब्द सर्वप्रथम, ठीक है, हिंदी को कॉमा में सिंगल में रखेंगे, हिंदी शब्द सर्वप्रथम, सबसे पहले शरफुद्दीन यजदी ने अपने ग्रंथ जफरनामा में किया था, ठीक है, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण है, पीले रंग से लिखा हुआ, सरफुद्दीन, क्या नाम लिखा है, सरफुद्दीन यजदी। जो हिंदी शब्द है ये हिंदी शब्द, ठीक है, ये सबसे पहले सर्वप्रथम, सबसे पहले सरफुद्दीन यजदी ने अपने ग्रंथ जफरनामा, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ग्रंथ में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है, तो जफरनामा में हुआ है, ठीक है। और कब, किसने किया है, सरफुद्दीन यजदी ने, कब हुआ है, 1424 बताया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहीं पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, थोड़ा सा ऊपर करे दे रहे हैं हम इसे, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे जो अमीर खुसरो, ठीक है, पटियाली कासगंज, अमीर खुसरो, इन्होंने हिंदी शब्द के लिए, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, हिंदी शब्द के लिए अमीर खुसरो जी ने हिंदी शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। भाषा के अर्थ में
अमीर खुसरो जी ने हिंदी के लिए हिंदवी किया है, ये उससे पहले किया है 12वीं 13वीं शताब्दी में, 13वीं में 1253-1325 जो उनका जीवन काल है। तो अमीर खुसरो जी ने हिंदवी शब्द प्रयोग किया है, क्या किया है, हिंदी शब्द के लिए हिंदवी का प्रयोग किया है, ठीक है। ये भी परीक्षाओं में बहुत बहुत पूछा जाता है, प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रयोग किया है हिंदी के अर्थ में, ठीक है। तो ये हिंदी के अर्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष हमने रखी और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप इन्हें लिख लेंगे, ठीक है। हम थोड़े से हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से ये हिंदी शब्द बना है, ठीक। अब क्या है कि हमने हिंदी की बोलियां पढ़ रखी थी, हिंदी की बोलियां पढ़ रखी उस दिन, बोलियों पे हम चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। हिंदी की बोलियां कितनी हैं, हिंदी की बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, 5। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, 5 उपभाषाएं, 5 हैं, ठीक है। बोलियां कितनी हैं, ये बोलियां पिछली क्लास में हमने आपको ट्रिक से याद करा दी थी और हमने आपको ये बता दिया था कि ये बोलियां प्रश्न का उत्तर देखकर हम सही बताएंगे। यदि विकल्प में 17 है तो हम 17 बताएंगे, 17 नहीं है 18 है तो हम 18 बताएंगे, 18 भी नहीं है 19 है तो 19 बताएंगे। इसका सीधा सा संबंध ये है कि ये 17 भी सही है, 18 भी सही है और 19 भी सही है, ये तीनों में से कोई एक विकल्प ही आपको मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। ये कैसे है ये हमने पिछली क्लास में बता दिया है, यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो हिंदी भाषा की पहली क्लास आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। ट्रिक से 17 हमने आपको बता दी, 18 बता दी और 19 भी बता दी, ठीक है। 17 किसने मानी है, 18 किसने मानी है और 19 किसने मानी है और कैसे ये 17 है, 18 कैसे है और 19 कैसे है, ये हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों पे ही हम चर्चा करेंगे, बाकी पर ज़्यादा नहीं, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बोलियां कितनी हैं, के अनुसार, ठीक है। भाषा सर्वेक्षण नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, भाषा सर्वेक्षण, उसमें इन्होंने भाषाओं का सर्वेक्षण किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बोलियां कितनी हैं और उपभाषाएं कितनी हैं, तो इन्होंने केवल 2 उपभाषाएं मानी हैं। उपभाषाएं कितनी मानी हैं, 2, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और बोलियां कितनी मानी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बोलियां हैं 8। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बोलियां कितनी हैं, 8 हैं, ठीक है। अब ये 2 कट रहा है ऊपर से, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उपभाषाएं 2 हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी उपभाषाएं इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने मानी है। पहली उपभाषा इन्होंने मानी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। पहली उपभाषा कौन सी मानी है, पश्चिमी हिंदी। पहली उपभाषा जॉर्ज ग्रियर्सन ने मानी है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां। कितनी बोलियां हैं, 5, ठीक है। ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं, कौरवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली और बांगरू, ठीक है। तो ये 5 बोलियां ये हो गई पश्चिमी के अंतर्गत, और पूर्वी के अंतर्गत दूसरा इन्होंने माना है पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इन्होंने 3 बोली हैं, पूर्वी के अंतर्गत कितनी बोली हैं, 3, कौन कौन सी हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से 8 बोली यह जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको बताना है 8 बोलियां हैं, और पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इन्होंने 2 उपभाषाएं मानी हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया परीक्षा की दृष्टि से। अब देखते हैं आगे अगला। अब देखो जो बोलियां हैं
इनका परीक्षा में पूछा जाता है कि क्षेत्र क्या है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। ठीक, तो इनके क्षेत्र को हमने थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात ये भी पूछी जाती है जो अपभ्रंश से जोड़ के पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ब्रज भाषा का कौन से अपभ्रंश से, ब्रज भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, खड़ी बोली का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ, इस तरह से मैथिली का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ। तो अपभ्रंश का मतलब ये है कि आप सीधे सीधे अपभ्रंश आप सीधे सीधे जोड़ लेंगे इसे काय से, भाषाओं में जो जो आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लीजिए मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, मागधी इससे पहले हम बात करेंगे तो सौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक, सौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद हम बात करेंगे मागधी हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे अर्धमागधी हो गया। ठीक है, अर्धमागधी हो गया। ठीक, ये हो गए तीन अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसके अंतर्गत की जो पांच बोलियां हैं, जो पांच बोलियां हैं वो पांचों बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती हैं। मागधी के अंतर्गत बिहारी का विकास हुआ है। ठीक है, और बिहारी के अंतर्गत तीन बोलियां हैं, अर्थात मागधी से तीन बोलियों का, मैथिली मगही भोजपुरी, और अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां हैं और उन तीनों बोलियों का विकास अर्धमागधी से माना जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आता है, तीनों बोलियां आपको अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, मैथिली मगही भोजपुरी, और इसमें ब्रज बुंदेली, ठीक, कौरवी कन्नौजी और आपकी बांगड़ू। ठीक, ये पाँच हो गई। अब इस तरह की ये यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, ये आप समझ लेंगे। इसके अलावा अब हम इन बोलियों पर थोड़ा सा विस्तार से नज़र डालेंगे इन बोलियों पर। ठीक, तो इन बोलियों पर थोड़ा सा विस्तार से नज़र डालेंगे, वो नज़र हम ये डालेंगे कि इन बोलियों का क्षेत्र कहाँ है और इन बोलियों की विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले छोटी सी चर्चा करना शुरू करते हैं, सबसे पहले खड़ी बोली पर। ठीक है, खड़ी बोली पर। ठीक है, देखो खड़ी बोली वैसे तो एक एक बोली को हम यदि विस्तार से पढ़ेंगे तो एक क्लास हो जाएगी, इनका बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी बड़ी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही जो उपयोगी हैं उन चीज़ों पर ही हम चर्चा करेंगे। तो खड़ी बोली, अब जो खड़ी बोली शब्द है, अब ये जो खड़ी बोली नाम पर बहुत, खड़ी बोली जो नाम है इस पर बहुत चर्चा होती है कि खड़ी बोली क्यों है। तो देखो खड़ी बोली का नाम खड़ी बोली क्यों पड़ा, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत मानते हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये खड़ी है इसलिए इसका नाम खड़ी बोली पड़ा, खड़ी बोली का मतलब इसमें खड़ी पाई का प्रयोग ज़्यादा होता है, ये खड़ी पाई है, ये पड़ी पाई है, जैसे हमने लिखा क तो इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हो गया, जैसे हमने लिखा ग तो ये खड़ी पाई है, तो इसमें खड़ी पाई का प्रयोग अधिक होता है इसलिए अधिक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये खरी है, खरी से खड़ी बना है, खरी का मतलब थोड़ी कह देते ना उनका स्वभाव खरा है, वो बहुत खरे हैं, तो ऐसे ये खरी है, कर्कश है, कुछ लोग इसका अर्थ कर्कश से लगाते हैं। ठीक है, तो इन सब पे थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि कर्कश कौन मानता है और खड़ी पाई कौन। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे ब्रजभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक था उस समय और ब्रजभाषा पड़ी की पड़ी रह गई और ये उठ के खड़ी हो गई इसलिए इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया। ठीक है, तो इसका केंद्र कहाँ है, मेरठ है,
और मेरठ के बाद दिल्ली का क्षेत्र सहारनपुर, रामपुर, ठीक, वो हम आपको इसका क्षेत्र है वो हमने एक लिख रखे हैं, समय बर्बाद ना हो इसलिए, तो वो इकट्ठे से हम चर्चा कर लेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से परीक्षा में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो परीक्षा में आए हैं वो हमने अलग से कलर लिख रखे हैं, परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो हम अलग से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर सबसे पहला मत हमने क्या बताया कि ये मूलतः खरी होती है एक विचार, इसलिए इसका नाम खरा, इसका नाम क्या पड़ा, खरी बोली पड़ा, ठीक है। कैसी होती है, खरी, इसमें बोलते हैं वो कैसे होते हैं, खरे बोलते हैं, ठीक। कुछ लोग इसे खरे का आशय कैसे लगा देते हैं, शुद्धता, ठीक है, इसलिए ये खरी बोली है। अब दूसरा अर्थ इसका क्या लगाया जाता है कि जो मतलब खड़ी पाई का प्रयोग होता है, इसलिए ये खड़ी है, ठीक है। काय का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का, तो खड़ी पाई हमने आपको बता दिया है, खड़ी पाई का प्रयोग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, खड़ी, ठीक है। तीसरा इसका अर्थ लगाया जाता है कर्कश है, तीसरा इसका अर्थ क्या लगाया जाता है, ये कर्कश है इसलिए ये खड़ी खड़ी कही जाती है, इसलिए ये क्या कही जाती है, खड़ी कही जाती है, ठीक है। और कुछ लोग ये हैं कि ये चलती भाषा है इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं, बाकी भाषाएं रुक गई और ये चलती रही आगे को, ठीक है, बाकी बोलियां रुकती गई, ये चलती गई आगे, ठीक। तो इनमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मत ज़्यादा अच्छा है कौन सा नहीं है, लेकिन अपने अपने मत हैं सबके, तो वो मत हैं वो बने रहेंगे। ये क्या क्या मत हैं ये हमने पढ़ लिए, ठीक है, ये क्या क्या मत हैं ये हमने पढ़ लिए। यदि इनके नाम चाहो तो फिर हम कह सकते हैं कि जो गिलक्राइस्ट हैं उन्होंने खड़ी का अर्थ क्या माना है, मानक माना है। गिलक्राइस्ट ने, यदि नाम से देखोगे तो गिलक्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ क्या माना है, मानक। गिलक्राइस्ट के अनुसार खड़ी का अर्थ क्या है, मानक है, ठीक। मानक तो आप जानते ही हैं, शुद्ध परिमार्जित भाषा को मानक कहते हैं, ठीक है। और अब्दुल हक, जो अब्दुल हक हैं वो इसका अर्थ गंवारू मानते हैं, जो अब्दुल हक हैं वो इसका अर्थ क्या मानते हैं, गंवारू मानते हैं, ठीक है। अब्दुल हक ने इसका अर्थ क्या माना है, खड़ी का गंवारू, ठीक। और कर्कश किसने माना है, कर्कश किसने माना है, यदि हम कर्कश की बात करें तो कर्कश माना है कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश माना है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इसका अर्थ क्या है, कर्कश है, ठीक। तो इस तरह से यदि हम चाहेंगे तो इसे थोड़ा सा देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हो गई खड़ी बोली से, ठीक। और इसका केंद्र कहाँ है, केंद्र कहाँ है इसका, मेरठ है। केंद्र कहाँ है इसका, मेरठ है, ठीक है। और मेरठ के आसपास ये कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र में रामपुर है, देहरादून है, ठीक है। इसके अलावा सहारनपुर है, बिजनौर है, दिल्ली है, ठीक। और भी जो आसपास के जनपद हैं वो इसमें हैं। तो खड़ी बोली पर अभी इतनी चर्चा करेंगे, इसका क्षेत्र हमने नोट कर रखा है, आगे आपको दिखाएंगे, इकट्ठा आपको समझा देंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी ब्रज भाषा पर, ठीक है। अब काय पे बात करेंगे हम लोग, ब्रज भाषा पर, ठीक। यहाँ पर आप एक बात पहले ये समझ लें कि ये शुद्ध वर्तनी है ब्रज भाषा की, ये ब्रज शब्द है इसे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। और यदि कहीं भी कुछ लोग ऐसे ब्रज लिखते हैं, ब्रिज, तो ये हिंदी में कोई शब्द नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे और मन मस्तिष्क में बिठा के रखेंगे, इस तरह का कोई भी शब्द नहीं है। जैसे कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाता है ब्रिज भाषा, ठीक है, तो आप इस तरह से, ये बपर रिकी मात्रा है, तो ये कहीं भी कोई शब्द इस तरह का नहीं है हिंदी व्याकरण में, ठीक है। तो ये बिल्कुल अशुद्ध है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ब्रिज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ब्रिज का शाब्दिक अर्थ, पुराना जो अर्थ है इसका, ब्रिज का पुराना अर्थ बताया जाता है, वो बताया जाता है गौशाला। क्या बताया जाता है, गौशाला, अर्थात गायों के रहने का स्थान, गायों के चरने का स्थान, गायों के
भ्रमण करने का स्थान, जहाँ गायें रहती थी उस स्थान को गौशाला कहा जाता था, और इसी गाय से जुड़कर इसका अर्थ ब्रज पड़ा था। ठीक है, और ब्रज क्षेत्र की भाषा होने के कारण इसका नाम ब्रज भाषा पड़ा। ब्रज क्षेत्र की भाषा होने के कारण इसका अर्थ क्या पड़ा? ठीक है, क्या पड़ा? ब्रज भाषा। ठीक है, तो ब्रज ये शब्द हमने समझ लिया है, इसे हम ठीक है एक से अधिक कई अर्थ, इसके दो तीन अर्थ जो प्रयोग में आते हैं वो दोनों चाहो तो लिख लो यहाँ पर, वैसे हमने बता दिए हैं। ब्रज के चरने का क्षेत्र जो होता है उसे चारागाह कहते हैं। ठीक है, ये ब्रज का जहाँ गायें चरती हैं ऐसे क्षेत्र को। ठीक है, और एक अर्थ होता है पशुओं का समूह या गायों का समूह। ठीक, पशुओं का समूह या गायों का समूह भी होता है, इसका अर्थ काय का? ब्रज का। पशुओं का समूह या गायों का समूह भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, गायों का समूह, इस तरह से ये ब्रज शब्द बना, गायों का समूह। ठीक, गायों का समूह, ये सारी चीजें हो गई। और यदि पूछा जाए, इसे हम ब्रजी भी कह देते हैं, यदि पूछा जाए कि इसका विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ, यदि अपभ्रंश पूछा जाएगा तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है, आप भूलेंगे नहीं, ब्रज भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कौन से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश हिंदी की जननी है और संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। ये हमने पहले बताया था कि माँ की माँ उसकी भी माँ, उस ऐसे संस्कृत तक हम पहुँचते हैं। तो कौन से अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। काय का विकास? ब्रज भाषा का विकास। ठीक है, और इसकी उपबोलियाँ बहुत पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, ब्रज की उपबोलियाँ। तो ब्रज की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। भुक्सा ब्रज की उपबोली है, ये कौन सी है? भुक्सा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में बहुत आती है, अंतर्वेदी। ये परीक्षाओं में बहुत पूछी गई है, कोई भी परीक्षा हो ये बहुत, सबसे ज़्यादा तो यही उपबोलियों में पूछी जाती है। अंतर्वेदी कहते कैसे हैं? गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, उसे अंतर्वेद कहा गया है, और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली अंतर्वेदी कहलाई है। अर्थात यदि हम ब्रज भाषा का ये आपको बताएं कि ये कौन सी क्षेत्र में अंतर्वेदी होगी, तो जैसे गंगा है, गंगा के बाद है इधर कासगंज, कासगंज के बाद है एटा, फिर है इधर आपका अलीगढ़ भी है और हाथरस भी है। ठीक है, इधर कुछ हिस्सा आपका है फिरोजाबाद का। तो गंगा और यमुना के बीच का जो जनपद है, यदि पूछी जाए कि एटा की बोली कौन सी है, तो एटा की बोली ब्रज भाषा में आप अंतर्वेदी बताएंगे। ठीक है, एटा की बोली कौन सी है? अंतर्वेदी। कासगंज की बोली कौन सी है? अंतर्वेदी। ठीक, हाथरस की बोली कौन सी है? अंतर्वेदी। यदि अंतर्वेदी पूछा जाए तब, और नहीं तो फिर सीधे सीधे आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे सीधे सीधे? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है ये आप थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ आप सब जानते हैं ब्रज भाषा का केंद्र है मथुरा। मथुरा के बाद ठीक है आप इसे आगरा, ठीक आगरा सब जानते हैं, ताजमहल है इसमें, अलीगढ़ ये भी जानते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसमें। ठीक ठीक, ये हो गया आगरा, फिरोजाबाद इसे सुहाग नगरी कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जब भी फिरोजाबाद आओ तो चूड़ियाँ जरूर लेके जाना। ठीक है, कांच की नगरी है और सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। हाथरस, हींग बहुत प्रसिद्ध है और रसी रस है यहाँ पर। ठीक है, हाथरस की हींग बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर इत्र बनता है, रस बनता है। गुलाब की आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, इत्र की नगरी कहा जाता है कन्नौज को। तो कन्नौज में जो इत्र होता है वो हाथरस से बन के जाता है, बहुत सारा गुलाब होता है हाथरस में और मशीनों के द्वारा वो गुलाब से इत्र बना के और फिर वो इधर उधर जाता है। ठीक है, तो ये हाथरस है, एटा हो गया, कासगंज हो गया। ठीक, अब इसके इधर मैनपुरी का कुछ भाग, ये आप ध्यान रखेंगे, मैनपुरी का कुछ भाग तो कन्नौजी में आता है
और कुछ भाग आता है ब्रज भाषा में। यही स्थिति एटा की भी है। एटा का पूर्वी जो भाग है कासगंज, वो कन्नौज के नज़दीक है, तो वहाँ कन्नौजी का ज़्यादा प्रभाव है। वैसे इन्हें कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कन्नौजी को ब्रज भाषा का ही एक उपबोली मानते हैं या ब्रज भाषा से निकली बोली मानते हैं, तो इनका इतना घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा आप इधर गंगा से उधर उत्तर में बढ़ोगे तो बदायूं है, बरेली है, वहाँ तक इसका क्षेत्र है, और आप राजस्थान में जाओगे तो भरतपुर में भी है, धौलपुर में भी है, ठीक है, इस तरह का इसका क्षेत्र है। तो ये अंतर्वेदी दूसरा हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, इसकी उपबोलियाँ हम देख रहे थे, तीसरी देख लो इसकी उपबोली क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, भरतपुरी। भरतपुरी ये भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और चौथी है डांगी, डांगी, और पांचवी है माथुरी, ठीक है, पांचवी कौन सी है, माथुरी। ये है ब्रजभाषा की पांच उपबोलियाँ, ठीक है, ब्रजभाषा की पांच उपबोलियाँ हैं, और इनके बारे में आप जानते हो। एक पॉइंट आपको ये भी नोट करना है, यहाँ ये ओकारांत बोली है, बहुत पूछा जाता है कैसी है ओकारांत, ठीक। और खड़ी बोली कैसी थी, खड़ी बोली कैसी है आकारांत है, ध्यान रखेंगे यहाँ आकारांत कौन सी है, खड़ी बोली, नोट कर लेंगे, बहुत आता है परीक्षाओं में। ओकारांत का मतलब क्या है, ओ गयो आयो मारो हाथरस मारो मथुरा मारो काना मारो, ओ की मात्रा, चौं चौं शब्द का बहुत प्रयोग होता है, जैसे आप क्यों कहते हैं खड़ी बोली में, जैसे क्यों कहते हैं शुद्ध भाषा में आप क्यों कहते हैं, उसे ब्रज भाषा में चौं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौं, चौं गयो चौं आयो चौं रो रहो चौं हंस रहो, तो क्या है ये ब्रज भाषा है, ठीक है। तो ब्रज भाषा के शब्द हम आपको नोट कराएंगे एक जगह पर, जो आपके प्रयोग आ सकते हैं, जिन्हें देख के आप काव्य में पहचान सकते हो कहाँ है ब्रज भाषा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्रज भाषा पर महत्वपूर्ण बातें हो गई, इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा जहाँ तक संभावना है, ठीक है, कुछ चीज़ें हम आपको PDF में उपलब्ध करा देंगे। आइए देखते हैं आगे। अब ब्रज भाषा के बाद एक बात तो यहाँ रह गई, चलो उसे हम आगे बात कर लेंगे, ब्रजबोली की, ब्रजबोली ये प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर UPHESC में 2021 वाले में, ये TGT में भी आया है, PGT में भी आया है, और सारी परीक्षाओं में आता है, प्रत्येक राज्य में आता है। तो ब्रजभाषा नहीं है ये, ये ब्रजभाषा नहीं है, ये बंगला का कृत्रिम रूप है, नोट कर लो, काहे का, बंगला का कृत्रिम रूप, बंगला का कृत्रिम रूप, ये बंगला का कृत्रिम रूप है, अर्थात ये ब्रजभाषा बंगला में पहुंच गई, ठीक है, और बंगला से मिलके ब्रजबोल कहलाई, बंगला से मिलकर ये क्या कहलाई, ब्रजबोल। इसका बहुत बड़ा, जितनी भी भाषाएं थी, देखो बोलियां सारी बोलियां हैं, एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि सारी बोलियां हैं तो ब्रज के आगे भाषा क्यों लगा है, ब्रज ये बोली है लेकिन भाषा शब्द क्यों लगा है, ये वाला प्रश्न देखो, ये थोड़ा तार्किक प्रश्न बनता है कि ब्रज भाषा भाषा क्यों है, बाकी सब बोलियां हैं, इसके आगे भाषा शब्द क्यों लगा है। इसके आगे भाषा शब्द लगा होने का कारण यही है कि ये बोली से उठकर भाषा बन गई। जब कोई क्षेत्रीय बोली और बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे, आप ये भी जान लें भाषा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसके बाद होता है उपभाषा, ठीक है, उसके बाद होती है बोली, ठीक है। तो ये बोली होता है क्षेत्रीय रूप, बोली कैसे होता है क्षेत्रीय रूप, छोटा रूप होता है। जब कोई बोली बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे ही ये ब्रज अपने छोटे से क्षेत्र से उठ के और बहुत बड़े क्षेत्र तक पहुँच गई, तो इसका नाम क्या हो गया, भाषा। और फिर क्या हुआ, ये उस पद पर नहीं रह पाई, फिर लौट के फिर बोली पर आ गई, ठीक है। तो जब मध्यकाल की बात करेंगे तो ब्रजभाषा में सूरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, सूरसागर ब्रजभाषा की रचना है पूछा जाता है। तुलसीदास ने ब्रज और अवधि दोनों पर लिखा है, तो तुलसीदास भी हैं, ठीक है, नंददास हैं, अष्टछाप के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा पूरी ब्रजभाषा में है। और ब्रजभाषा का स्वर्ण युग, ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कौन सा है बता दीजिए भाई, बहुत पूछा जाता है ब्रजभाषा का स्वर्ण युग, तो ब्रज ब्रजभाषा का स्वर्ण युग है रीतकाल, ठीक है, कौन सा है
रीतकाल ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रज भाषा रीतकाल में अपने चरम पर थी, रीतकाल में अपने चरम पर थी। फिर ब्रज भाषा का विरोध या ब्रज भाषा जहाँ से डाउन होना शुरू हुई है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा के काव्य से हटकर खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाए जाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। आधुनिक काल में भी भारतेंदु जी ने भी ब्रज भाषा में ही लिखा है। ठीक है, और भी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, कविरत्न जी हैं, जिन्होंने आधुनिक काल में ब्रज भाषा में लिखा है। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी भाषा है और बहुत प्रेम की भाषा है। ठीक है, और ब्रज का अपभ्रंश से मिलकर जो रूप बना है उसे पिंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। ये भी आपको ब्रज भाषा से जुड़ी हुई बात है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पिंगल। तो ये सारी ब्रज भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी। और यदि ब्रज भाषा में स्वर ध्वनियां पूछी जाए, स्वर ध्वनियां कितनी हैं, तो ब्रज भाषा में स्वर ध्वनियां 12 हैं। भोलानाथ तिवारी ने स्वर ध्वनियों की संख्या 12 बताई है। ब्रज भाषा में स्वर ध्वनियां कितनी हैं तो आप बता देंगे, 12 बता देंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली भाषा पर। अब अगली भाषा पर बात करेंगे तो हम करेंगे हरियाणी। हरियाणी, ठीक है, हरियाणी को हरियाणवी भी कह देते हैं। हरियाणवी, हरियाणवी। अब जो हरियाणवी है, ये शब्द कहाँ से बना, हरियाणा शब्द कहाँ से बना, इस पर बहुत मतभेद हैं। हर बात का ही मतभेद है भाई, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, अपना अपना तर्क रखते हैं। तो हरियाणा शब्द भी, इसकी व्युत्पत्ति भी थोड़ी विवादास्पद है। ठीक है, और बहुत सारे मत हैं इसमें। तो एक तो मत ये आता है कि इसका नाम पड़ा है हरे हरे धनयान, हरियाणा, हरे धनयान। हरे का अर्थ क्या है? कृष्ण। हरे का अर्थ क्या है? कृष्ण। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। और जब भी आप बोलें तो ध्यान रखें, ये न बोलें जय श्री कृष्णा, ये न बोलें, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कृष्णा कृष्ण नहीं है, जय श्री कृष्ण। पहले भी एक क्लास में हमने कभी बताया था, तो कृष्ण शब्द है, कृष्णा शब्द काय का पर्यायवाची है? द्रौपदी का है। ठीक है, तो कृष्णा शब्द काय का पर्यायवाची है? द्रौपदी का है, और कृष्ण। ठीक, अभी हमने एक और बताया था जब श्लोक बोला था, वसुदेव, वसुदेव कृष्ण के पिता थे, और वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है जो परीक्षा में पूछा जाता है। और इस श्लोक का उच्चारण करते समय ज़्यादातर लोग वासुदेव सुतम देव कंस चारुर्मर्दनम ऐसे बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। वासुदेव नहीं बोलना है, वसुदेव सुतम देव। ठीक है, वसुदेव के देव, वसुदेव के सुत, तो ये पिता थे, ये पुत्र हैं। ठीक है, वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव पड़ा था। तो हरियाणा, हरे धनयान, कृष्ण का यान यहाँ से गया था, इसलिए इसका नाम हरियाणा पड़ा। दूसरा मत ये होता है कि हरिधन, हरिधन अरण्य, हरधन अरण्य, हरिधन अरण्य। अब हरे का अर्थ यहाँ क्या है? हरा, और अरण्य का अर्थ क्या है? यहाँ वन। तो हरा वन होने के कारण इसका नाम हरियाणा पड़ा। यहाँ पर हरा वन था, बहुत सारे हरे हरे वन थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हरियाणा पड़ा। तीसरा मत हरियाणा का क्या है? हरिण धन अरण्य। ये अलग अलग विद्वान अलग अलग बात मानते हैं। हरे का, हरिण का अर्थ क्या है? हिरण। अरण्य का मतलब वन, हिरणों का वन, अर्थात यहाँ जो वन था उसमें हरिण बहुत पाए जाते थे, हरिण का मतलब हिरण है, इसलिए यहाँ पर इसे कहा, क्या कहा गया? हरियाणा। एक इसका अर्थ ये भी माना जाता है, एक अर्थ ये भी माना जाता है अहीर धन आना। एक क्या माना जाता है? अहीर धन आना। ठीक है, और मिला, दोनों मिला के बना हरियाणा। ठीक है, अहिराना, हरियाणा। कैसे कैसे बना? जैसे राजपूताना, तेलंगाना, वैसे ही हरियाणा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब जो इसकी मुख्य बोली है, इसका मुख्य क्षेत्र है हरियाणवी का, वो हरियाणा है, दिल्ली का देहाती भाग है। ठीक है, दिल्ली का कौन सा है? देहाती भाग। हरियाणा पहले तो आप लिखेंगे, और दिल्ली का देहाती भाग है, दिल्ली का देहाती भाग में ये बोली जाती है। ठीक, और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी उपबोलियाँ हैं जो बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती हैं,
वो है मुख्य बोलियां आपकी जाटू और बांगरू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी हैं? जाटू और बांगरू याद रखेंगे, जाटू और बांगरू। इसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उप बोलियां मानी हैं, ठीक है। और वैसे सीधे सीधे इसका नाम ही हरियाणी को जाटू कह देते हैं और हरियाणी को ही बांगरू कह देते हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी ने इसे अलग से इसकी बोलियां माना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई काय की, हरियाणवी की, ठीक है। तो ये हरियाणवी आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें लोक साहित्य उपलब्ध है, ठीक है। लोक साहित्य का मतलब होता है जो लोक में प्रचलित हो, जो लोक में प्रचलित हो, इसमें वैसा साहित्य उपलब्ध नहीं है, लोक साहित्य उपलब्ध है, ठीक है। और आजकल यदि आपके यहाँ तक पहुँच रहा हो तो इनके जो लोक साहित्य के गीत हैं इसके, वो बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं, हरियाणी गीत, ठीक है। और एक सपना चौधरी नाम की एक महिला इस पर बहुत डांस करती हैं, जो डांसर हैं एक, वो बहुत डांस करती हैं, उनके बहुत गीत प्रसिद्ध हैं, वो हरियाणवी भाषा के हैं। वो कौन सी भाषा के हैं? हरियाणवी। हमारे यहाँ तो बहुत चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको हरियाणा से संबंधित सारी बातें आपको पता लग गई। अब बात करते हैं, ये हमने इसलिए बताया कि आप हरियाणी गाना सुनते होंगे तो आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे बुंदेली भाषा पर, ठीक है, बोली पर। कौन सी? बुंदेली। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है। बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसका नाम बुंदेली कहा, बुंदेलखंडी भी कह देते हैं इसे, बुंदेलखंडी भी बोल देते हैं इसे। बुंदेलखंड की होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली या बुंदेलखंडी कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर बुंदेले राजपूत थे। नाम क्यों पड़ा है? बुंदेले राजपूतों के कारण। आपने ये तो कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, ठीक है। तो बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेले राजपूत थे वहाँ पर, जिसके नाम पर बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम पड़ा है, ठीक है। तो इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? झांसी है, ग्वालियर है, ठीक है, झांसी है, जालौन है, झांसी जालौन, ठीक, उरई, ठीक है, ये इसका क्षेत्र है। और भी इसके क्षेत्र हैं बुंदेलखंड में। अब हम इस पे क्षेत्र आपको एक एक साथ हम दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, एक प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, और टीजीटी पीजीटी में भी आया है, नेट में भी आया है, ईसुरी के फाग कौन सी बोली में हैं? ये बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ईसुरी के फाग कौन सी बोली में हैं, ठीक है। ईसुरी के फाग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, ईसुरी के फाग कौन सी बोली में हैं। तो आप ईसुरी के फाग कौन सी बोली में हैं ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी भी पूछ चुका है, यूपीपीएससी भी पूछ चुका है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ईसुरी के फाग। दूसरी बात जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, एक इसकी बोली है बनाफरी, एक इसकी बोली कौन सी है? बनाफरी। ये भी बहुत पूछी जाती है बनाफरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बनाफरी में ही, इस शैली में ही क्या है? आलाखंड है, आलाखंड है, जो आलाखंड जगनिक, ठीक है, परमाल रासो हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये आलाखंड है, ये बनाफरी बोली में है, ये बुंदेली की ही है। ये कौन सी है? बुंदेली की एक उपबोली है, ठीक, और इसकी उपबोलियां जो राठौरी और लोधांगती मानी जाती हैं, ठीक है, राठौरी और लोधांगती इसकी उपबोलियां मानी जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई बुंदेली से संबंधित, ठीक है, ये आपको याद रखना है हर हाल में। एक तो ये बनाफरी वाला आलाखंड, और ये ईसुरी के फाग तो बहुत आता है, और इसका क्षेत्र झांसी जालौन हो रही, ये सारी चीज़ें नरसिंह शिवानी होशंगाबाद ओरछा सागर ग्वालियर भोपाल, ये इसके क्षेत्र हैं, बुंदेली हो गई। आइए बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे बुंदेली के बाद मुख्य बोलियां हम थोड़ी विस्तार से पढ़ रहे हैं, बाकी तो फिर हम पढ़ लेंगे कैसे, हल्के में, जहां से प्रश्न जो आ रहे हैं वो प्रश्न न छूटे, इसलिए अब हम बात करेंगे कन्नौज पर, अर्थात कन्नौजी बोली पर, ठीक है। हम पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों पर चर्चा कर रहे हैं अभी,
कन्नौज का नाम प्राचीन नाम था कान्यकुब्ज, ठीक है, कान्यकुब्ज से ही कन्नौज शब्द नाम पड़ा है। ठीक, तो कन्नौज नाम कहाँ से पड़ा है? कान्यकुब्ज, कन्नौज की बोली होने के कारण इसका नाम कन्नौजी पड़ा है। ठीक है, और कन्नौज जनपद जो है वो फर्रुखाबाद से कटके बना है। फर्रुखाबाद, ये पहले फर्रुखाबाद जनपद के अंतर्गत था, तो ये कन्नौजी का केंद्र माना जाएगा, तो कन्नौज भी, और यदि कन्नौज विकल्प में नहीं आता है तो फर्रुखाबाद यदि दिया है तो उसे भी आप मान सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की उपबोली मानते हैं, ब्रजभाषा की उपबोली मानते हैं कुछ लोग, के इतने निकट है ये कि ब्रजभाषा की उपबोली है ये। ठीक है, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये ब्रजभाषा की उपबोली भी है। ठीक, कौन सी? कन्नौजी। और इसका क्षेत्र कन्नौज के बाद देखो ये इटावा, ठीक, पीलीभीत, पीलीभीत कन्नौजी का क्षेत्र है। ठीक है, और शाहजहाँपुर कन्नौजी का क्षेत्र है, शाहजहाँपुर कन्नौजी का क्षेत्र है, कानपुर कन्नौजी का क्षेत्र है। ठीक है, और भी है, ये महत्वपूर्ण हो गए। दो तीन जनपद आते हैं, या तो केंद्र पूछा जाता है, या तीन जनपद देंगे या एक जनपद देंगे, जो महत्वपूर्ण जनपद होते हैं, तो ये आप नोट रखेंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कन्नौजी बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। ठीक है, अब एक चर्चा करते हैं ताजुब्बे की। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ताजुब्बे की, कौन सी? ताजुब्बे की, ताजुब्बे की, ठीक है, ये है, ये ताजुब्बे की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इन्होंने मानी है, और ये सोवियत संघ का ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान सीमा पर बोली जाती है। ठीक है, ये हमने आपको पहले बता दी। और एक है निमाड़ी, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये है निमाड़ी, ये कहाँ बोली जाती है? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, मुख्यतः ये मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी है, और वहाँ पर नर्मदा नदी के इधर उधर एक क्षेत्र है निमाड़ क्षेत्र, वहाँ नीम के पेड़ अधिक हैं। नीम के पेड़ अधिक होने के कारण इसका नाम निमाड़ी पड़ा है, उस क्षेत्र का नाम निमाड़ पड़ा, तो निमाड़ी का कैसे पड़ा है? नीम के से। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि निवार नामक वहाँ चावल ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर उसका नाम निवाड़ी पड़ा है, तो ये निवाड़ी हो गया। अब हम चलते हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अवधि, अयोध्या। ठीक है, अवधि भाषा, इसका केंद्र अवध है। ठीक है, और जो अवध है वो अयोध्या का ही विकसित रूप है, जो अवध है वो अयोध्या का विकसित रूप है। ठीक है, और साकेत में जो साकेत शब्द है, साकेत पाली भाषा का जो साकेत शब्द है उसका अर्थ भी अयोध्या ही है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे साकेत शब्द का अर्थ क्या है? अयोध्या है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब इसका क्षेत्र क्या है? केंद्र क्या हो गया? अवध हो गया, फैजाबाद हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर। ठीक है, ये आपके अवधि के क्षेत्र हो गए, और इनके कवि आपको पता है, जायसी हैं, तुलसीदास हैं, ये सारे इनके महत्वपूर्ण कवि हैं जो अवधि हैं, हम यहाँ पर उन पर विशेष बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नाम आता है बैसवाड़ी का। ठीक है, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है बैसवाड़ी। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं बैसवाड़ी के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में बैसवाड़ी। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इसके कई अर्थ हैं, और जो पुरानी बैसवाड़ी है उसी के अंतर्गत अवधि एक उपबोली है। ठीक है, और कुछ लोग अवधि की ये उपबोली मानी जाती है, अवधि की उपबोली बैसवाड़ी, अर्थात आप सीधे सीधे बैसवाड़ी को अवधि से जोड़ के याद रखेंगे कि अवधि के साथ है ये। ठीक है, और बराती यहाँ के एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं बराती। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, बराती नाम के साहित्यकार कहाँ से जुड़े हुए हैं?
वो अवधि से जुड़े हुए हैं, बैसवाड़ी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद है बघेली। बघेली रीवा क्षेत्र बघेलखंड में बोली जाती है, इसलिए है। ठीक है, तो अब ये विस्तार से हम बोलियों पर चर्चा अब नहीं करेंगे, ये बड़ी बड़ी बोलियाँ हो गई। अब हम चर्चा करते हैं आपको इनका क्षेत्र, सीधे सीधे क्षेत्र पर ले चल रहे हैं हम आपको, हिंदी इनके क्षेत्र पर सीधे सीधे ले चल रहे हैं। एक तो ये देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बोलियों का नामकरण, जो खड़ी बोली है इसका नाम धीरेंद्र वर्मा ने खड़ी बोली नाम दिया है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है धीरेंद्र वर्मा। कौरवी नाम किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने दिया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिहारी नाम ग्रेयर्सन ने दिया है, और मैथिली नाम कोलब्रुक ने दिया है, राजस्थानी नाम ग्रेयर्सन ने दिया है, ठीक है। इन बोलियों का नामकरण इन्होंने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, नामकरण के बाद अब हम चर्चा करेंगे। ये देखो, यहाँ हमने बोलियों का क्षेत्र लिख रखा है, जो खड़ी बोली है इसका क्षेत्र मेरठ है, केंद्र मेरठ है, इम्पोर्टेंट है, सहारनपुर, बिजनर, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून, और भी क्षेत्र हैं, ठीक, इतने महत्वपूर्ण हमने लिखे हैं। ब्रजभाषा मथुरा आगरा अलीगढ़ आगरा सेटा चर्चा हो गई है, कन्नौजी कन्नौज इटावा कानपुर हरदोई पीलीभीत चर्चा हो चुकी है, बुंदेली बुंदेलखंड झांसी जालौन होशंगाबाद उरई बांगड़ू जाटू या हरियाणवी हरियाणा अम्बाला हिसार करनाल रोहतक, ये इनकी बोलियाँ हैं, इन पे बोलियों का क्षेत्र है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ इसकी नहीं मिल पाएगी, कारण क्या है कि ये आपको हम सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे पढ़ाने के कारण इसकी पीडीएफ आपके पास नहीं पहुँचेगी, आप स्क्रीनशॉट लेके ही लिख सकते हैं। अब हम राजस्थानी पे भी शीघ्रता से चर्चा कर लें। मेवाती, इसके लिए मेवाती के लिए उत्तरी राजस्थानी, ये प्रश्न आता है उत्तरी राजस्थानी किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उत्तरी राजस्थानी किसे कहा जाता है, मेवाती को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ बोली जाती है, गुड़गांव अलवर भरतपुर आदि क्षेत्रों में, ठीक। मालवी, इसे कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी। ये प्रश्न ही ज़्यादा बनते हैं, उत्तरी राजस्थानी किसे कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी किसे कहा जाता है। उज्जैन इंदौर देवास रतलाम भोपाल मध्य प्रदेश में भी है, गुना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ये है पश्चिमी राजस्थानी, कौन सी, मारवाड़ी, इसे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थानी जोधपुर बीकानेर ये किशनगढ़ आदि जैसलमेर इसका क्षेत्र है, जयपुरी ये पूर्वी राजस्थानी कही जाती है, ठीक है, ये क्या है, पूर्वी राजस्थानी है, ये आपको याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए सारी चीज़ें, जयपुर अजमेर किशनगढ़ इसका क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये राजस्थानी हो गई। अब हम चलते हैं, ये देखो, मैथिली मगही भोजपुरी अर्थात बिहारी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियाँ आती हैं, ठीक है, और तीन मैथिली मगही भोजपुरी। मैथिली, इसका मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है, आप जानते हैं मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को। विद्यापति की रचना पदावली मैथिली में लिखित रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। और विद्यापति ने क्या कहा है, भाषा को क्या कहा है, देशिल बयाना, देशिल बयाना, सब जन मिठा ते तेसन जम्पो अबट्ठा, आपको याद होना चाहिए विद्यापति ने क्या कहा है। दरभंगा की बोली है, मुजफ्फरपुर मुंगेर पूर्णिया सीतामढ़ी मधुबनी वैशाली, ठीक है, पूर्णिया ये वही है जो रेणु जी ने अपने उपन्यास में चर्चा की है। मगही, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मगही ये प्रश्न हमारा गलत हुआ था एक बार, और जो एक बार गलत हो जाए फिर वो जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता, जिसे एक बार गलत कर दिया वो जीवन में दोबारा गलत हो गया तो समझ लीजिए कहीं के नहीं है आप, जिसे गलत हो जाए उसे तो विशेष रूप से, और ये बहुत आता भी है यूपी की परीक्षाओं में, बहुत आता है बाहर की परीक्षाओं में, बहुत आता है। पटना की बोली कौन सी है, तो पटना की बोली मैथिली करते हैं लोग या भोजपुरी करते हैं, मगही के बारे में कम सोचते हैं, तो पटना की बोली मगही है, हमने रेड कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर अलग कलर से, आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। गया पलामू हजारीबाग मुंगेर और भागलपुर में मगही बोली जाती है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जौनपुर गाजीपुर बलिया आजमगढ़ ठीक है आदि जो है उनमें बोली जाती है। और ये भोजपुर पहले एक गांव बताया जाता है, फिर एक कस्बा हुआ और एक अब जनपद हो गया है भोजपुरी,
और छपरा और सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, ये विदेश में बोली जाती है, ठीक है, ये विदेश में भी बोली जाती है भोजपुरी। और यहाँ पर हम एक बात और नोट करेंगे, वो ये करेंगे कि सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। जितनी भी बोलियाँ हैं हिंदी की, उन सभी में सबसे अधिक संख्या में लोग बोलते हैं भोजपुरी को बोलते हैं। कौन सी बोली सर्वाधिक बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। तो भोजपुरी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हम आपको और बताएंगे यहाँ भोजपुरी से, जो कि भोजपुरी का शेक्सपियर, ठीक है, यहीं लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर ही ले रहे हैं। यहाँ भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, भोजपुरी का शेक्सपियर, ठीक है, किसे कहा जाता है बता दीजिए। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसे कहा जाता है बताओ? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। वेरी इंपॉर्टेंट है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न एक और यहाँ बनता है, भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र, अर्थात भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। इसको भी आप यहीं से जोड़ देंगे, किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है, ठीक है। तो भोजपुरी का ये, ठीक, ये महत्वपूर्ण बात हो गई भोजपुरी वाली। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, शीघ्रता के साथ बिना किसी देर के। अब बात करते हैं इस पर, पूर्वी हिंदी पर। पूर्वी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी से माना जाता है। और अभी बिहारी हमने पढ़ी थी, बिहारी का विकास मागधी से माना जाता है। बिहारी का विकास कैसे माना जाता है? मागधी से, ठीक है, मागधी। और श्रीलंका में पाली भाषा को अभी भी मागधी कहा जाता है। श्रीलंका में पाली भाषा को मागधी कहा जाता है, याद रखेंगे। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, ठीक, केंद्र फैजाबाद, अवध, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज। देश के बाहर ये फिजी में बोली जाती है, ठीक है। बघेली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखो कलर्ट लिखा हुआ है, रीवा, ये बहुत आता है। आप जो हम इम्पोर्टेंट आपको बताएं उसे तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। रीवा, सतना, शहडोल, नागौर आदि क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, कल हमने दुर्ग बताया था, अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान, ये मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है, ठीक है। नंदगांव, कांकेर, ये छत्तीसगढ़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की, जो खस अपभ्रंश से प्रभावित है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी ये आ गई, देखो पहाड़ी हिंदी है, ये गढ़वाली और कुमाऊनी। और तीसरी बोली इसके अंतर्गत जो मानी जाती है वो है नेपाली, ठीक है। कुछ पहाड़ी को दो भागों में बांटते हैं, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्ववर्ती पहाड़ी। तो गढ़वाली के अंतर्गत गढ़वाड़ क्षेत्र है, उत्तरकाशी, टिहरी और हरिद्वार आदि क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊं, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ में कौन सी बोली जाती है? कुमाऊनी बोली जाती है, ठीक है। अब आप एक कथन यहाँ नोट करेंगे, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये कथन किन का है? राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ठीक है, गूंगा है, ये कथन किन का है? ठीक। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल, ठीक है। हिंदी हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया, ठीक है, ये नारा किसने दिया? तो ये तीन कथन हो गए यहाँ पर। ये पहला कथन महात्मा गांधी जी का है, याद रखेंगे आप,
दूसरा कथन भारतेंद्र जी का है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और तीसरा कथन है प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तीसरा कथन किनका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण मिश्र का है। ये प्रताप नारायण वही जो अपने पत्र ब्राह्मण के लिए भीख मांगते थे, ठीक है। अब तो करो दक्षिणा दान, आठ मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, ठीक है। वही प्रताप नारायण मिश्र जिन्होंने अपनी मूंछें मुड़वाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी थी एक अभिनय करने के लिए, ठीक है। तो वही प्रताप नारायण मिश्र हैं। और जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, पढ़े ये भी इन्हीं का है, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा बात उधर को नहीं बढ़ा रहे हम लोग, और वीडियो हमें लग रहा है लंबी हो रही है। और ये भाषा पर दूसरी वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, आज की क्लास में हम यहीं तक की चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा और व्याकरण पर चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी मित्र मंडली को भी बताएं कि प्रद्योत गुरुकुल से जुड़कर अपनी तैयारी को धार दें, ठीक है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको पुनः पुनः शुभकामनाएं। कहना आप पर कृपा करें, आपकी नौकरी लगा दें, आपको नौकरी में सफलता दें, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। जुड़े रहिए हमसे, पढ़ते रहिए प्रद्योत गुरुकुल से जुड़कर, और अपनी तैयारी नंबर वन की करते रहिए, ठीक है। वीडियो के बारे में आप अपने सुझाव, आप अपने राय, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करिए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक श्री राधे।